दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ये लॉन्च के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों काफी लोगों ने सवाल किया है कि भाई इस एप्लीकेशन से हम किस तरह से लोन ले सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ इस चैनल के ऊपर आपके डिमांड के ऊपर ही दोस्तों वीडियो बनाई जाती है और हर एक एप्लीकेशन का रिव्यू करने के साथ साथ लगभग सारे एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के तौर तरीके भी आपको बताया जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ विथआउट इनकम प्रूफ कैसे आप घर बैठे लोन ले सकते हैं, वो भी आप इजी इंस्टॉलमेंट में आप लोन को चुकता कर सकते हैं। बाय द वे कितने लोगों के पास तो बैंक के स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप या फिर किसी तरह कोई ITR जैसे इनकम प्रूफ के तौर पे मांगी जाती है, कोई भी लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के हिसाब से ही आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों होने वाली है। जानिए किस तरह से आप बिना इनकम प्रूफ के तौर पे घर बैठे लोन ले सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन है और आपकी क्या सिविल स्कोर होनी चाहिए और क्या ये एप्लीकेशन सिविल में रिपोर्ट करती है या फिर नहीं, क्या हमारे सिविल स्कोर डाउन कर सकती है या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों के सवाल भी ऐसे हैं जो अभी हमने आपको बताया है, तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट तो कर ही दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिटेल्स में जान लेते हैं। ज़्यादातर देखा गया है जब उनको पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है तो रिसर्च करने लगते हैं प्ले स्टोर को ऊपर आने के बाद या फिर गूगल करते हैं और पता करते हैं कि कौन से एप्लीकेशंस के जरिए से हमें इंस्टेंट लोन मिल सकता है, कौन से अभी वर्किंग लोन एप्लीकेशन है जो मुझे लोन प्रोवाइड करा दे बिना इनकम प्रूफ के तौर पर। ज़्यादातर तो लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि भाई हम आधार पैन के बेस पे लोन तो लें पर बड़े अमाउंट के साथ लोन लें, तो आज मैं ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों देने वाले हैं। अगर वाकई में पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरू से लेकर अंत तक देखिए इनके क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, आप यहाँ पर 10 मिनट के अंदर में ही एप्लीकेशन द्वारा लोन ले सकते हैं। यह एक RBI रजिस्टर्ड अप्रूव NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐप के अंदर में आपको NBFC पार्टनर की बात करें तो देखने को मिलेगा ही, साथ साथ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि FinFriends प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तहत ही आपको लोन्स प्रोवाइड कराती है। अब लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई क्या सिविल में वाकई में ये रिपोर्ट करती है, क्या हम लोन चुकता नहीं करते हैं तो क्या सिविल हमारी डाउन हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल डाउन हो सकती है। FinFriend के नाम से ही आपको सिविल में रिपोर्ट करते हुए दिखाई देगा। जब आप लोन को समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसे में अगर लेट रिपेमेंट भी करते तो भी आपको सबसे बड़ा दिक्कत होने वाला है और आपके सिविल से कुछ ना कुछ पॉइंट तो डाउन होते रहेंगे। इसी तरह से अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो पूरे तरीके से आपकी सिविल स्कोर डाउन हो जाएगी और भविष्य में लोन लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर छोटा लोन तो नहीं, लगभग आपको एक मीडियम साइज का लोन आपको मिल जाता है और मिनिमम आपको 30 दिनों का समय दोस्तों यहाँ पर दिए जाते हैं लोन भुगतान करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन के अंदर में लोन्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। हालांकि मैंने इस एप्लीकेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि किस तरह से एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से मोबाइल नंबर के साथ वेरिफिकेशन करेंगे, KYC कैसे करेंगे, कैसे हम फिल कर सकते हैं बेसिक डिटेल्स वगैरह और बैंक अकाउंट में कैसे हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोन एग्रीमेंट साइन करते हुए, सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिए। हालांकि वो वीडियो को अब तक बहुत लोगों ने देखा ही नहीं है तो इस वीडियो में भी हम कुछ कुछ कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, बस वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे। जब आपको पर्सनल लोन्स की दोस्तों रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप यहाँ पर इस ऐप की तरफ तो जा ही सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए लोन आप ले सकते हैं। आपको ये बता दें कि यहाँ पर फास्ट अप्रूवल आपको दोस्तों दिए जाते हैं, क्विक डिसबर्समेंट भी आपके लोन यहाँ पर हो जाते हैं। एक रजिस्टर्ड फॉर्म के जरिए से ही आपको दोस्तों यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात निकल के आती है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगने वाले हैं, तो आपको बता दें मिनिमम 12% से लेकर 36% तक सालाना चार्ज किया जा सकता है और इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि मिनिमम 62 दिनों से लेकर मैक्सिमम 6 महीनों का समय आपको लोन रिपेमेंट करने के लिए समय मिल सकता है।
आप यहाँ पर किसी भी चीज के लिए दोस्तों यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर मिनिमम 2000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 25000 रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। लगभग आपको अच्छे खासे लोन टर्म भी मिल जाते हैं और बड़े अमाउंट के साथ। तो इस ऐप की खास बात यह भी है कि अगर आपको बड़े अमाउंट के तरफ जाते हैं तो आपको इजी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई के रूप में ही आपको लोन को भुगतान करना होगा। 100% ऑनलाइन पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ एप्लीकेशन ये दोस्तों वर्क करती है, किसी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं लेती है। और आपको तो ये बता ही चुका हूँ कि आपको यहाँ पर फास्ट अप्रूवल मिलने के साथ साथ क्विक डिसबर्समेंट भी देखने को मिलेगा। और इनके लैंडिंग पार्टनर क्या है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, फिंक फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों लोगों के मन में सबसे पहले ये भी सवाल होता है, जब हम किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हैं तो उनके मन में ये होता है कि जो भी हम फॉर्म डिटेल फिलअप कर रहे हैं सही तरीके से अगर फिल करते हैं फिर भी हमारे सिविल स्कोर ठीक ठाक होने के बावजूद भी हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो जाती है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, इनके हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है, इनके टर्म्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, ये चीज़ों को फुलफिल करना सबसे पहले ज़रूरी है। जानिए पहले कि लोन अप्लाई करने से पहले आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, इनकम का सोर्स है लगभग 15000 रुपये पर मंथ आपके कहीं से आते जाते होंगे, तो ऐसे कंडीशन में ही आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करेगा। भारत का नागरिक होना दोस्तों ज़रूरी है। ऐसे में जब भी आप अपने फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा अपने मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद बेसिक डिटेल्स वगैरह फिलअप करेंगे, उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ये सब करने के बाद आपको अप्रूवल के लिए वेट करना होता है। उसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ कि लोन एग्रीमेंट भी आपको यहाँ पर दोस्तों साइन करनी होती है। जैसे आप लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे ओटीपी के बेस पे, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर ओटीपी के बेस पे ही लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है, उसके बाद ही आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इस एप्लीकेशन से कितने बार आपको लोन लेकर दिखा चुका हूँ। अगर जिन्हें नहीं पता है कि कैसे काम करती तो वो चीज़ भी यहाँ पर देख लें और समझ लें। दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, तो ऐसे में देख लीजिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सेल्फी आपको देने पड़ेंगे जब ऐप के अंदर लोन अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड आपको देना होगा और आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होने चाहिए जिसमें भी आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। जो भी आपके बैंक होंगे, जो भी आपके पास बैंक होगा उस बैंक में पैसे ले सकते हैं। तो तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आधार पैन के बेस पे लोन आपको प्रोवाइड कराती है, इनकम प्रूफ का कोई चक्कर नहीं है, जिसमें कि सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट जैसी चीज़ों की डिमांड करती है वैसा यहाँ पर सीन नहीं है। अब यहाँ पर ऐप क्या क्या परमिशन लेती है वो भी आप देख लीजिए। लोकेशन लेती है, कैमरा मीडिया के लिए एक्सेस लेती है और स्टोरेज के लिए आपसे परमिशन लेती है। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प दोस्तों ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा था रूपी रेडी एप्लीकेशन के बारे में, इसे फटाफट ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। 100% ऑनलाइन पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। 5 मिनट के अंदर में ही आपको यहाँ पर डिस्पर्समेंट कर दिया जाता है। गेट स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन भी देना होगा। जिस तरह से ऐप के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि हम ये चीज़ों के लिए परमिशन लेने वाले हैं, लोकेशन कैमरा एंड मीडिया के लिए परमिशन देना होगा, साथ ही साथ स्टोरेज के लिए परमिशन देना होगा। उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, इनके टर्म्स कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी एक बार अच्छे से रीड करेंगे। अगर आप सहमत हैं तो आगे बढ़ने के लिए इस बॉक्स को चेकआउट करेंगे और एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। ध्यान रखिए, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो ऐसे में आपको यहाँ पर फास्ट अप्रूवल दोस्तों देखने को मिलेगा। तो आप वही नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद लॉगिन वाइवा ओटीपी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आप फिर पहले से अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो आई हैव ए पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर 4 डिजिट का ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड फिलअप करेंगे और नीचे से वेरीफाई वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ऐप के अंदर में आपको देखने को मिलेगा मिनिमम 2000 रुपए से स्टार्टअप करती है और मैक्सिमम 25000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आधार पैन के बेस पे ही आप दोस्तों यहां पर लोन बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, 25000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लोन टर्म की यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपेमेंट डिटेल्स की यहाँ पर बात करें तो किस तरह से ये ऐप ये चार्जेस करती है।
आपको जानकारी के लिए बता दें, काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज, सर्विस चार्ज, कई तरह के इनके पास चार्जेस होते हैं जो आपको बता कर भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट 3% लिए जा रहे हैं, अप्रूवल फी आपके लोन अमाउंट से 5% डिटेक्ट कर लिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फी के नाम पे 8% चार्ज करती है, अकाउंट मैनेजमेंट फी के नाम पर 3% चार्ज करती है, कलेक्शन फी के यहाँ पर दोस्तों बात करें तो पर मंथ 3% के हिसाब से चार्ज करती है। अगर ये सारे परसेंटेज अगर जोड़ा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि लगभग पता चलेगा कि 24-25% आपको एक मंथ के अंदर में एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज यहाँ पर दोस्तों आपसे करने वाली है, लगभग 24-25%। तो यहाँ पर सोच समझ के ही लोन्स के लिए अप्लाई करेगा, तो इस तरह से एप्लीकेशन ये दोस्तों काम करने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं, क्या इनके कई तरह के हिडन चार्जेस भी हैं जो कि आपको मैंने बताया है किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन फ़ी, असाइनमेंट फ़ी और इंटरेस्ट और फर्स्ट टाइम जो प्लेटफॉर्म चार्ज वगैरह लेती हैं उनके बारे में भी आपने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से दोस्तों ये ज़्यादा चार्जेस करती है, लगभग एक महीने के अंदर में 24-25% लगभग, अगर इंटरेस्ट मान के चले तो 24-25% आपसे ज़्यादा पैसे वसूली करती है। भले आपको यहाँ पर 15 दिन नहीं 30 दिनों का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, जब आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करेंगे तो अपने दिमाग से सूझबूझ के ही लोन्स के लिए अप्लाई दोस्तों यहां पर करिएगा। तो मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है इस ऐप के बारे में, ये ऐप है रुपी रेडी, जो कि एक लगभग कहा जाए तो बिना इनकम प्रूफ के तौर पे ही आपको लोन प्रोवाइड तो कराती है। सिविल स्कोर की आप दोस्तों बात करें तो लगभग 650 से ऊपर आपके सिविल स्कोर होने चाहिए। बाकी अगर आप ये देखना चाहते हैं, लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से ये ऐप काम करती है, आपकी सिविल में भी रिपोर्टिंग करती है, तो इसे अगर भविष्य में लोन लेते हैं तो ऑन टाइम पेमेंट करने की कोशिश दोस्तों जरूर करिएगा।